शदीद बारिशों और रेलों से तबाही ही तबाही, बलूचिस्तान का मुल्क के दीगर हिस्सों से रास्ता कट गया। सैलाबी रेलों से ऑप्टिकल फाइबर को नुकसान, मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुतासर। दुखी में शदीद बारिशों से कई मकानात मुनहदिम, इमदाद न मिलने पर मुतासरी ने मशरकी बाईपास रोड को एहतजाजन बंद कर दिया। सिंध में सैलाबी सूरत हाल मजीद अबतर, नसीराबाद इंडस हाईवे डूब गया, गाड़ियों की कतारें लग गई। तंगवानी शहर मुसलसल बारिशों के बायस पानी पानी हो गया। तोज नहर में जगह जगह शिकाफ, रेला आबादी की तरफ बढ़ने लगा। मछली के फार्म बह गए। सांगड़ के सेम नालों के बंद टूटने से 135 देहात जेरे आब। खैरपुर के जस्कानी गाँव में भी सैलाबी सूरत हाल, सेम नाला टूटने से 200 से जायद गाँव डूब गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस सिंध में तालीमी इदारे आज और कल बंद रहेंगे। लड़काना और कंबर शहदादकोट में बारिशों से तबाही, 500 से जायद घर गिर गए। मुतासरीन खाना बदोशों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। राइस कैनाल पर आर्जी खैमा बस्ती कायम, लोगों की खाने पीने की अशिया और टेंटों के लिए पुकार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। सक्कर, रोहड़ी, खैरपुर समेत कई शहरों का फजाई मुआयना भी करेंगे। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल सुनेंगे। NDM में मुतल्लिका हुकाम ब्रीफिंग देंगे। खबर पख्तूनख्वा भी सैलाब से तबाही की तस्वीर बन गया। शदीद बारिशों से दरिया सवात बिखर गया, बहरीन बाजार डूब गया, 10 राबता पुल बह गए, जमीनी राबता मुनकता, दरिया के किनारे बिल्डिंग पानी की नजर हो गई। बिलाल मस्जिद भी तीसरी बार शहीद, खम्बे बहने से बिजली मुकम्मल तौर पर बंद। मानसहरा के दरिया कुनहार में डूबने वाले अफराद की तादाद 8 हो गई। लॉर्डीन में भी सैलाब से तबाही, 3 बच्चे रैले में बह गए, कई होटल, राबता पुल और सड़कें बह गई। अपर चितराल का भी मुल्क से जमीनी राबता। कौंसा शरीफ में सैलाब मुतासरा बच्चे पढ़ाई ना होने पर गमगीन। 8वीं क्लास का आमिर बारिश रुकते ही तबाहशुदा घर में किताबें ढूंढने पहुंच गया। किताबें सैलाबी पानी से खराब होने पर अफसरदा हो गया। कहता है कि अब नई किताबें कैसे खरीदेंगे, पहले ही सैलाब ने सब तबाह कर दिया है। शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। पुलिस रिकॉर्ड पेश ना कर सकी। कल रिकॉर्ड पेश ना किया तो आप और आपके सीनियर्स के लिए मसला होगा। अगर आपका कोई इशू है तो बता दें। जज का पुलिस अफसर से इस्तफसार, कल का दिन दे दें, पीर को रिकॉर्ड पेश कर देंगे। पुलिस अफसर के सदा अदालत की कल 12 बजे तक रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मुतल्लिका फोरम ना होने का रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार। जिस वक्त ये बयान दिए गए उस वक्त किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। आप सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाईकोर्ट के पास जाए जिनसे मुतल्लिक आप कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज से मुतालिक अजखुद नोटिस समाप्त के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 1 सितंबर को समाप्त करेगा। जस्टिस आयशा ए मलिक 2 रुकनी बेंच का हिस्सा, अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स और हेल्थ सेक्रेटरी समेत दीगर प्रीकैन को नोटिस जारी। इंटर बैंक में डॉलर 1.09 रुपए महंगा, डॉलर 219.41 रुपए से बढ़कर 220.50 रुपए का हो गया। रवां हफ्ते इंटर बैंक में डॉलर 5.85 रुपए तक महंगा हो चुका। माहरीन का कहना है कि दरामदी अदायगी और जखायर कम होने पर रुपया दबाव का शिकार। किसानों का इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज, मुतालबात की मंजूरी के लिए डट गए। कहा बिजली और खाद की कीमतों में कमी ना हुई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पार्लियामेंट के घेराव की भी धमकी। कोरोना के वार थम न सके, कातिल वायरस मजीद 6 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 433 नए केस रिपोर्ट। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.69% रिकॉर्ड।